वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन सेकेंड। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में वापस से। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर अभी करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको मैं जो रोज़ वीडियो बनाता हूँ वो आपको नहीं मिलेंगे। सबसे पहले निफ्टी का अपडेट। निफ्टी कल हमने बुक कर लिया था 11,150 के आसपास, जिससे तकरीबन हमें 200 पॉइंट कल निफ्टी में हमने बुक कर लिया था 11,150 के आसपास, तो टोटल हमारा उस ट्रेड में 200 पॉइंट प्रॉफिट हुआ। और अगर आपको याद हो तो हमारा मई में 300 प्लस 200 500 पॉइंट का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपको फ्री निफ्टी कॉल्स चाहिए तो आप मुझे जो मैंने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है उसे व्हाट्सएप करें। एक और बात, मैं इसे व्हाट्सएप नंबर इसीलिए कहता हूँ बिकॉज आई डू नॉट रिसीव कॉल्स, आई जस्ट If you WhatsApp me, I will reply you. Please मुझे WhatsApp करें और calls ना करें। चले शुरू करते हैं। ये देखिए गोल्ड, गोल्ड अभी भी एक रेंज में ही चल रहा है। कल तो पूरा टाइम रेंज में ही था, 1298 से लेके 1293 के आसपास तक। अभी भी 1295 के आसपास चल रहा है। अभी भी मार्केट जो है वो वेट कर रही है कोई मेजर इवेंट का, कि वापस से कुछ रिटेलिएशन हो, वापस से कुछ कूल ऑफ हो थिंग्स, तो मार्केट ऊपर नीचे हो। बट फिलहाल अभी भी मार्केट 3-4-5-6 डॉलर के रेंज में ही चल रही है। यूजुअली गोल्ड की रेंज इतनी नहीं है, रोज गोल्ड कम से कम 8-10 डॉलर चल ही जाता था पहले, बट काफी महीनों से गोल्ड की रेंज एक बंद गई है और वो अभी भी उसी रेंज में चल रहा है। चलिए इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं। गोल्ड का सपोर्ट आज वापस से वही है 1288 डॉलर का। ध्यान रखिएगा 1288 डॉलर से नीचे निकला मार्केट तो थोड़ा वीक हो सकता है, 1280 और 1270 डॉलर भी जा सकता है। गोल्ड का रेजिस्टेंस आज थोड़ा चेंज है, 1302 डॉलर का है। 1302 डॉलर के ऊपर मार्केट निकला तो 1309 और 1317 डॉलर भी जा सकता है। 1302 डॉलर एक काफी मेजर लेवल है, तो ध्यान रखिएगा अगर 1302 के ऊपर जा रहा है तो आप कोई भी सेल होल्ड ना करें, और अगर 1288 के नीचे जा रहा है तो आप कोई भी बाइंग होल्ड ना करें। चलिए चांदी को देख लेते हैं। ये आ गया हमारा चांदी का चार्ट। ये ऑलमोस्ट सेम रेंज में चल रहा है गोल्ड, अनलाइक गोल्ड जो ऑलमोस्ट 9 डॉलर नीचे अपने हाई से। मैं इसे आउट परफॉर्मेंस तो नहीं कहूँगा कि चांदी आउट परफॉर्म कर रहा है, बट गोल्ड अंडर परफॉर्म कर रहा है। ये बेटर सेंटेंस रहेगा गोल्ड सिल्वर के सिनारियो को बताने के लिए। गोल्ड अंडर परफॉर्म कर रहा है और चांदी वही है, अभी भी अटकी हुई है। चलिए चांदी का और रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं। सिल्वर का रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा 15.5 का, सपोर्ट रहेगी 1470 की। ध्यान रखिएगा 1470 के नीचे मार्केट 1450-1430 जा सकता है, और अगर आप सेलिंग में हो तो 15.5 के ऊपर होल्ड ना करें, बाइंग में हो तो 1470-1465 के नीचे होल्ड ना करें। चलिए क्रूड ऑयल को देखते हैं। ये आ गया क्रूड ऑयल का चार्ट। कल से ऑलमोस्ट सेम ही रेंज में चल रहा है, ज्यादा कुछ ऊपर नीचे हुआ नहीं है अभी तक। थोड़ा सा ये 30-40 सेंट का नीचे आया है, बट 30-40 सेंट इज नॉट क्रूड ऑयल रेंज। चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, फिर ट्रेंड बताएंगे। क्रूड ऑयल का सपोर्ट है 60-70 का, रेजिस्टेंस है 62-20 का। ध्यान रखिए अगर आप सेलिंग में है तो 62-20 के ऊपर बिल्कुल भी होल्ड ना करें, और अगर बाइंग में है तो 60-70 के नीचे निकलने की कोशिश करें, बिकॉज उसके बाद फिर 59-80 का मेजर सपोर्ट आ जाएगा मार्केट में। चलिए ये हो गया नाइमेक्स और कॉमेक्स की बात, अब एमसीएक्स की बात कर लेते हैं। एमसीएक्स कॉपर अभी चल रहा है, कॉपर चल रहा है 428, कॉपर का रेजिस्टेंस आज करेगा 430-430 का, सपोर्ट 424-470 का। क्रूड ऑयल चल रहा है 4411 रुपये, क्रूड ऑयल का आज का सपोर्ट रहेगा 4268 का, रेजिस्टेंस रहेगा 4381 का। सिल्वर चल रहा है 37,500 रुपये, सिल्वर का रेजिस्टेंस आज करेगा 38,120, सपोर्ट रहेगा 37,180 का।
गोल्ड चल रहा है 32,184 रुपए MCX में। गोल्ड का सपोर्ट रहेगा 32,010 का, रेजिस्टेंस रहेगा 32,360। अगर आपको मेरी सर्विस लेनी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कोई ट्रेड फंसा हुआ है तो नीचे कमेंट करें वीडियो में, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चलिए कल वापस से अपडेट दूंगा मार्केट का, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।